करवा चौथ हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्व रखने वाला पर्व है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य अपने पति की लंबी आयु, समृद्धि और सुख शांति की कामना करना है। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन के सुख समृद्धि के लिए अत्यधिक फलदायी होता है। व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए करती हैं। व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी, सास द्वारा दी जाने वाली भोजन सामग्री ग्रहण करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रदेव और भगवान गणेश की पूजा कर व्रत खोला जाता है। इस दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं, जो सौभाग्य और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। भविष्य में अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करती है। तो आइए जाने करवा चौथ व्रत का संकल्प और विधि। सुबह सूर्योदय से पहले महिलाएं स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं। व्रत में निर्जल और निराहार रहने की प्रतिज्ञा की जाती है। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। व्रत का पारण तब होता है जब चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं और पति के हाथों से जल ग्रहण किया जाता है। करें नंबर 1, सुबह जल्दी उठें। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। सरगी, व्रत शुरू करने से पहले लिया जाने वाला भोजन का समय विशेष महत्व रखता है। इसे सूर्योदय से पहले ग्रहण किया जाता है। नंबर 2, 16 श्रृंगार करें। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जो विवाहिता स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक है। इसमें काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, बिछुआ आदि शामिल होते हैं। नंबर 3, लाल रंग के वस्त्र पहने। लाल रंग करवा चौथ पर सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस दिन खास तौर पर लाल, गुलाबी या अन्य शुभ रंग के कपड़े पहनकर पूजा करती हैं। नंबर 4, मेहंदी लगाएं। करवा चौथ के दिन हाथों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मेहंदी जितनी गहरी रंगती है, पति का प्रेम और स्नेह उतना ही गहरा होता है। नंबर 5, चौथ माता की पूजा। करवा चौथ पर चौथ माता की पूजा और कथा का आयोजन करना आवश्यक माना जाता है। महिलाएं करवा, मिट्टी का बर्तन में जल, अक्षत, रोली और कुछ मिठाई रखकर पूजा करती हैं। नंबर 6, चंद्रदेव को अर्घ्य दें। शाम को जब चंद्रमा उदय हो जाता है, तब महिलाएं चंद्रदेव को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देने के लिए जल से भरे हुए करवा का उपयोग किया जाता है। नंबर 7, पति के हाथों से व्रत तोड़े। चंद्रमा के दर्शन के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रक्रिया में पति पत्नी के माथे पर बिंदी और सिंदूर लगाकर उनके सौभाग्य की कामना करता है। ये तो हो गया, क्या करें? आइए जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, देर तक न सोएं। करवा चौथ के दिन देर तक सोना अशुभ माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सरगी ग्रहण करनी चाहिए और फिर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। नंबर 2, धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करें। करवा चौथ के दिन धारदार वस्तुओं जैसे कैंची, चाकू, छुरी आदि का उपयोग करना वर्जित माना गया है। नंबर 3, काले या सफेद रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। ये रंग दुख और शोक का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें वर्जित किया गया है। नंबर 4, अपशब्द और मनमुटाव से बचें। करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार के विवाद, अपशब्द या कटु वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये दिन सौम्य और शांति के साथ व्यतीत करना चाहिए। नंबर 5, झूठ न बोलें। व्रत के दौरान झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के फल को नष्ट करता है। नंबर 6, व्रत के बाद तामसिक भोजन न करें। व्रत पूरा करने के बाद तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करना ही उचित माना जाता है। इसके साथ ही करवा चौथ से जुड़ी एक प्रमुख कथा है, जिसमें सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। कथा के अनुसार सावित्री ने अपने अटल विश्वास और समर्पण से अपने पति को यमराज से वापस प्राप्त किया।
इसी तरह करवा नामक स्त्री ने अपने पति को मगरमच्छ से बचाया और उसकी दीर्घायु के लिए व्रत रखा। इसीलिए करवा चौथ पर महिलाओं का व्रत उनके पति की दीर्घायु और सुरक्षित जीवन की कामना के लिए होता है। करवा चौथ व्रत खोलने की विधि। करवा चौथ पर व्रत खोलने की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसके पीछे गहरी श्रद्धा और आस्था होती है। चंद्रमा के उदय होने पर महिलाएं चलने के माध्यम से चंद्रमा के दर्शन करती हैं। इसके बाद पति के भी दर्शन करती हैं, फिर पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं और मिठाई खाकर व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और दाम्पत्य जीवन की अटूट परंपरा को भी दर्शाता है। इस व्रत में निहित आस्था, प्रेम और समर्पण विवाह संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। इस पर्व पर सुहागिन महिलाएं अपनी श्रद्धा और विश्वास से अपने पति के दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं।